प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और जगह जगह छापेमारी कर गैर कानूनी काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहली खबर फतेहाबाद के गुरु नानकपुरा से सामने आई है, जहां पर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर छापा मारा। वहीं मौके पर क्लिनिक संचालक के पास न तो क्लिनिक चलाने का कोई लाइसेंस था और न ही डिग्री के कोई कागजात। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक में रखे सभी उपकरण और दवाएं सील कर क्लिनिक संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं क्लिनिक संचालक ने साथ में ही मेडिकल स्टोर भी खोल रखा था, जिसका लाइसेंस भी उसकी पत्नी के नाम पर पाया गया है। औषधि विभाग ने उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मिस्टर ईश्वर सिंह है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज। उन्होंने मेरे को टेलीफोनिकली सूचना दी कि जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी बैक साइड में गुरु नानकपुरा मोहल्ला है, उसके अंदर एक केमिस्ट शॉप है और उसके साथ में एक क्लिनिक बना हुआ है जो ये इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आ करके अपनी कार्रवाई करें। जिस उपरांत मैं दिनेश कुमार ड्रग कंट्रोल ऑफिसर फतेहाबाद और हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर राशिद मौके पर पहुंचने उपरांत जो एक्यूज्ड के भाई हैं वो मौके पर मिले और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मुझे बताया कि भाई जो प्रोप्राइटर था शॉप का वो मौके पे था, लेकिन बाद में वो यहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तस्वीर करनाल से सामने आई है, जहां पर शहर में खुलेआम स्पा सेंटर चल रहे हैं। आपको बता दें करनाल के मुगल कैनाल के पास एक दुकान में बने पार्टी हॉल में स्पा सेंटर चल रहा था। वहीं पुलिस ने जब वहां पर छापेमारी की तो मौके पर कई लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिली। पुलिस ने वहां मौजूद 2 लड़के और 3 लड़कियों को हिरासत में लिया है, साथ ही वहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। भैया पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये सब कब से इस जगह पर ये धंधा कर रहे हैं। 4 चांदी में मूल मार्केट के पास ये विश्ववर्ती ग्राम है, पार्टी हाल के नाम से विश्ववर्ती ग्राम है। आज तो क्या कार्रवाई की जाएंगे सर? आगे तीस कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से लड़की कहाँ से आई थी, लड़के को कब से काम कर रहे हैं। कोई ग्राहक भी पकड़ा है वहाँ पर? अभी तक तीस कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो लोगों से सर क्या अपील करेंगे, खासतौर पर इस तरह के बहुत से मजाज सेंटर जो है मुगल कनाल पर चल रहे हैं इलीगल? बिल्कुल गलत है, इलीगल है, बच्चों को बुलाए नहीं, ज्यादा इसको जो है ध्यान में रखिए और ऐसे काम से दूर रहे। तो साथ में तू जो किया सारा क्यों ना भी ले गया थी लड़कियां भी गई और दोपहर आज मैं ही नहीं यहाँ पे लड़के कमीजा काट काट कर कच्चे कच्चे पकड़े हुआ लेडीज के लिए पड़ सकती बैठे हुए रंग में यहाँ तो जिधर देख ला खन्ना का इसका और यहाँ लड़के और लड़कियाँ बस पूछा रात ना दिन बहरहाल अब देखना यही होगा कि दोनों मामलों में पूछताछ के बाद और क्या खुलासे होते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि आरोपियों के तार और कहां कहां तक जुड़े हुए। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।